ये लगाया हमने पाइनर वाला कंपोनेंट और इसके रखे प्यूटर, ये इसके प्यूटर, ये इसकी आरडी की सेंटर लॉकिंग। इस गाड़ी में मेरे को सबसे अच्छी चीज जो लगती है वो है भाई, इस गाड़ी के अंदर बम्पर में रिफ्लेक्टर दिए हुए हैं यार, इतने प्यारे लगते हैं जब ये रिफ्लेक्टर लगते हैं। इसको हम ऐसे करके ये कुछ ऐसा हो जाएगा, सीन पूरा निकल जाएगा। चार रिंग तो लगेगी रहेगी जो मैंने आपको फॉर्म फाड़ के दिखाया, वो स्पीकर के ऊपर ट्यूटर होता है और ये है ट्यूटर अलग से होता है। ये रिफ्लेक्टर वाला जो मतलब है ना सीन में वो बहुत प्यारा लगता है। ये रहेगा हेडलाइट पे डीआरएल इसके, क्योंकि इस गाड़ी में डीआरएल नहीं आते। और ये देखो, ये है इसके यूनो मिंडा के, मतलब मिंडा भी कंपनी जो बनाती है ना, वो इसके जो फॉग लाइट लगती है वो मिंडा की ही लगी हुई मिलेगी। हेलो भाई, कैसे हो आप लोग? तो भाई मैं फिर से हूँ सुभाष कार स्टूडियो पे करोल बाग में, और आपके सामने है भाई कुछ जानी पहचानी सी वैगन आर। और ये किसकी वैगन आर है भाई? वो है हमारे चाल है। पापा ने लिया अभी रिसेंट, एक दो दिन ही हुआ है ज्यादा। अच्छा, अभी ये वीडियो तुम पहले शूट कर रहे हो, पता नहीं कब आएगी ये, ठीक है? ये भी हो सकता, लेकिन ऑल न्यू वैगन आ रहा है 2022, ठीक है? बोल रहे और भी हो सकता है, कभी मना ना करते मेरे बात डालना, ऐसा कुछ नहीं होगा, डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके वाले डालूंगा। सफर भाई की हेल्प की वजह से हमारा सारा काम मतलब बढ़िया रेट पे हो रहा है, ठीक है? और जिसको भी कोलवा में काम करना है बोलूंगा भाई सफर भाई को इंस्टाग्राम पे जरा कॉन्टेक्ट करो, बढ़िया रेट में। ये सच्ची बात है वैसे, तो पब्लिक के लिए भी करवा दोगे? बिल्कुल बिल्कुल, है ना? अब तुम जरा दिखा दो क्या क्या लगने वाला है। तो भाई ये है अपनी शॉप, और यहाँ पर भाई की ने मॉडल है, बिल्कुल एलेक्साई मॉडल है। इसके अंदर मतलब कुछ भी लग के नहीं आता, सिर्फ आएगी दो पावर विंडो आती है। क्या आती है? दो पावर विंडो आती है सिर्फ। और दो पावर विंडो के अंदर हमने क्या करना है, सारी चीज चेंज करेंगे। इसके अंदर एक सिंगल और आता है, शायद हम हॉर्न भी चेंज कर दें। बाकी इसके जो ये व्हील है ना, ये पहले सिल्वर कलर के थे, ब्लैक अच्छे लग रहे हैं अब भाई? मुझे तो ब्लैक अच्छे लगते हैं यार। बढ़िया, इसके ऊपर वो लगाएंगे जब मजा आएगा। व्हील कवर भाई, व्हील कवर वहाँ पड़े, मैं तो वेट कर रहा हूँ एक बार व्हील कवर लग जाए तब लुक देखूंगा पूरा। मेरे हिसाब से भाई व्हील कवर ना क्या बेहतरीन इन्वेंशन है यार, मतलब क्या लुक बढ़ा। ज्यादा पैसा खर्चा नहीं करना पड़ता हम लोगों को, कम पैसों में काम हो जाता है, 500-600 रुपए के अंदर गाड़ी। बेस्ट चीज है व्हील कवर, कभी कभी तो पहचान में नहीं आता कि गाड़ी के अंदर अलॉय तो नहीं लग रहे, दूर से लगता है अलॉय लग रहे हैं। पहली बार व्हील कवर देखा ना भाई मेरे घर के उधर एक पड़ोसी है जिनकी वैगन आर थी, मैंने देखा यार ये कौन सी अलॉय है मतलब, और व्हील कवर जल्दी क्या होता है आपको पता लग जाएगा अंदर रिम्स है। ठीक है यार, ये कौन सी अलॉय है जो अंदर प्रॉपर छेदी छेदी लग रहा है, ध्यान दिया अच्छा ये तो व्हील कवर है। इससे पहले व्हील कवर कैसे आते थे, पूरा 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 कवर होता, स्टाइल वाले आ रहे हैं, ये बढ़िया एडवेंचर है। थैंक यू जिसने क्रिएट किया है। चलो भाई, थैंक यू बोल दिया भाई ने, उनको थैंक यू बोल दिया। बाकी यहाँ पे ना भाई ने स्टीकर नहीं लगवाया, बट यहाँ पे पेट्रोल लिखा हुआ है। अच्छा, ये डीजल में भी आती है क्या भाई? अब ओ, यार ये तो मैं कई बार देख रहा हूँ, कंपनी ने पी लिखा हुआ है, सीएनजी गाड़ी है, पी लिखा है। पेट्रोल पेट्रोल ओके, पेट्रोल भी तो है, सीएनजी है तो पेट्रोल भी है। स्टार्टिंग के वक्त मुझे पता चला इसमें, हाँ स्टार्टिंग के वक्त कुछ टाइम तक इसमें एक टेम्परेचर का इशू होता है, मतलब सीन होता है टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पे जाने के बाद कट मार के सीएनजी पे आती है। अच्छा, उसके लिए पेट्रोल टेम्परेचर लेवल सेट करा हुआ है इंजन का। मैं आपको दिखाता हूँ भाई, मैंने तो अपने व्लॉग में, ठंड में लेट आएगी गर्मी में जल्दी आ जाएगी। पापा ने मुझे 500 रुपए की पत्ती दी है भाई पेट्रोल के लिए, आप ये देखो पापा ने 500 रुपए दिए हैं कि बेटा पेट्रोल भरा ना, वो रिजर्व वाला सीन कि पेट्रोल रहे स्टार्ट होने रहना चाहिए ना, बिल्कुल रहना चाहिए उनकी, बहुत अच्छी है कि इंजन की लाइफ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ये हो जाता है। बाकी अभी देखते हैं भाई, देखो उसके गेट वेट जो है ना, वो देखो सभी की गाड़ी के खोल देते हैं, ऐसी बात नहीं है कि कस्टमर आता है तो सिर्फ उनकी गाड़ी के खोलते हैं। हाँ। सबकी गाड़ी में खुलने के लिए, क्योंकि स्पीकर जब लगेगा तो पहले आपको सीन जो मिलता है वो कुछ ऐसा मिलता है। इसको हम ऐसे करके, ये देखो कुछ ऐसा हो जाएगा, सीन पूरा निकल जाएगा। ऐसा होता है कि ये सिर्फ कवर दे रहेगा, ये हटेगा यहाँ पे लगेगा स्पीकर, बिल्कुल ऐसी खाली देते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है पहले जब तक ये हटेगा ना तो हमारा स्पीकर इसके ऊपर फिट नहीं होगा। और स्पीकर तो पहले भी हमें एक रिंग लगानी पड़ती है भाई, इसके अंदर पहले एक रिंग लगेगी ना, कंपोनेंट है ना वो, कंपोनेंट में क्या होता है, एक आपको ट्यूटर मिलता है। हाँ हाँ। और एक आपको स्पीकर मिलता है। अच्छा, और एक क्रॉसओवर मिलता है ट्यूटर की आवाज ट्यूटर को देने के लिए, स्पीकर की आवाज स्पीकर को देने के लिए। तो वो चीज है। हाँ, उसके ऊपर डब्बे के ऊपर देखोगे एक छोटा डब्बा भी दिख रहा है उसपे, वो डब्बा क्रॉसओवर ही है जो ट्यूटर की आवाज ट्यूटर को देता है, और बेस अपना मिड वो सारा उसी स्पीकर में होता है। मिड मतलब उसी स्पीकर में मिड और आवाज दोनों आती है, और ट्यूटर के लिए अपना वो अलग है, इसीलिए वो इसीलिए इसको कंपोनेंट बोलते हैं। कोएक्सल में क्या होता है, उसी स्पीकर के ऊपर एक छोटा सा ट्यूटर लगा होता है। अच्छा, दैट इज कॉल्ड कोएक्सल स्पीकर। ओके, मैं घर जाके गूगल पे जरूर पढूंगा। पाइनर का सिस्टम लग रहा है, आवाज आएगी बहुत बढ़िया, गाना चलाएंगे कौन सा सीन केड़ा। चलो भाई, तो यहाँ पे लग रहे हैं हम एंड्रॉइड भी लगा रहे हैं इसके अंदर, अभी डिसाइड कर रहे हैं कि यहाँ पर ना मारुति जनवन भी है। हाँ। मारुति जनवन जो स्टीरियो आता वो भी है, वो भी है, और अगर आपने एंड्रॉइड लगवाना तो एंड्रॉइड भी है। हाँ। देखते हैं अभी अंदर जाके देखते हैं कौन कौन सा टोटल ओनर की पसंद होती है, जो आपको लगवाना है वो लगवा सकते हैं, जनवन सच में मिलता है यहाँ पे। बहुत लोग डाउट होता है कि जनवन मिलता, अगर जनवन नहीं मिलता तो भाई सुभाष का स्टूडियो आ सकते हो, ठीक है? सारा जनवन काम होता है, जनवन सामान मिलता है, सामान बड़े प्यारे भाई। ये मैं इनसे अपनी पुरानी वैगन मैंने इनसे ही करवाई थी, और ज्यादा बता नहीं पाता जल्दी ब्लॉग पे, लेकिन हाँ बहुत अच्छा कनेक्शन है इनसे। अच्छा, एक चीज और बताओ, जैसे आपने इस गाड़ी के अंदर पहले बोला था कि मतलब मैंने हेडलाइट में एलईडी डलवाऊंगा, अब आपने कैंसिल करते बोले नहीं हैलोजन नहीं रहने दो। यार ये ना बहुत छोटा आउट है, ये तुम ना अच्छे टॉपिक उठा रहे हो, अपने वीडियो में जरूर जिक्र करूंगा इस चीज का। सीन क्या है कि ना पापा को ना हैलोजन पसंद है यार। अच्छा, आपको पता है फॉग जो
फॉग क्या होता है कि हैलोजन नहीं काट पाएगी, राइट राइट, व्हाइट लाइट नहीं काट पाएगी, हमने फिजिक्स में पढ़ा है ये, अपने जो प्रिज्म वाले उसमें कहते कैसे होता है, ठीक है। पापा ने बोला नहीं भाई हेडलाइट नहीं छेड़नी, मैं चल ठीक है यार सही है फॉग लाइट लगवा देंगे, फॉग लाइट से क्या है व्यू भी आ जाएगा, हैलोजन से यार फॉग भी कट जाएगी, ठीक है ये दोनों काम हो जाएंगे, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर हमें फॉग लैंप भी नहीं मिलते। अरे यार कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, पावर सेंटर लॉकिंग भी नहीं मिलती, आगे की दो पावर विंडो है वो इनके फादर चलाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उन्हें आगे अपना फील मिल जाएगा पूरा बढ़िया वाला किसी को शीशा नीचे करके गाली बकनी है बक सकता है, एक बार तो आखिरी में दिखाओ सब काम लग के, ओए होए होए बढ़िया है। अभी तो ये खोकल है कंपनी ने बिल्कुल खाली गाड़ी, और वो तो दिखाओ वो जो हमने कांड करा है, चलो उसके लिए आपको कुछ अलग मिलेगा, मेरा नाम बदनाम करेंगे ना भाई, समझ गया, अलग 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 से बदनाम करोगे मेरे नाम को। अंदर अभी भाई ने कुछ यादें छोड़ी हैं अपनी गाड़ी की, वो यादें हैं स्टेरिंग, और स्टेरिंग पे है कवर, ये कौन सा कवर, कौन से जमाने का कवर लगाया भाई, ये आपको बता रही है भाई 11 साल से मेरी ओल्ड वैगन चल रही है, तो उसी का कवर पापा बड़ा की इसमें लगा देते हैं फॉर टाइमिंग के लिए, सही बोला फॉर टाइमिंग, और अभी हम यहाँ पे सीट कवर्स भी, सॉरी स्टेरिंग कवर, स्टेरिंग कवर, ठीक है। तो ये अच्छी बात है, मतलब कुछ यादें अभी फिलहाल के लिए रखी हुई हैं, बाकी इसके अंदर भाई अभी यहाँ पे काम वाम कर रहे, भाई क्या लगा रहे हो, एंड्रॉइड लगा रहा, पक्का हो गया, चलो भाई एक बार आपको ना कंपनी वाला भी दिखा दूंगा, ये कौन सा फ्रेम पहले लगा हुआ आता है, पहले लगा हुआ आता है, अच्छा अभी चेंज कर दोगे आप, ठीक है। बाकी ये देखो भाई ये ना पूरे कंपनी पे बकेट फिट देने लग गई है, ये कुछ बकेट फिट है और ये पूरा अंदर है, मतलब लोग कहते हैं ना यहाँ से निकल जाता है, अच्छे सीट कवर है यार, मैं तो सोच रहा था मतलब पहले वो दाने वाले सीट कवर होते हैं, बट ये अच्छे सीट कवर लगे हुए इसके अंदर, क्वालिटी अच्छी है, बहुत बढ़िया क्वालिटी है सीट कवर की, क्वालिटी भाई वाकई में अच्छी है, हाँ। क्योंकि पहले जो कंपनी थी दाने दाने से सीट कवर देती थी, हाँ। बट ये काफी प्लेन है, तो कुछ तो अच्छा दे रहा है यार, मतलब ये तो एसेसरीज का पार्ट है, आपको कहीं ना कहीं पे निकाला होगा, मैं कहता हूँ इनको ये अच्छा देना चाहिए भाई, हाँ। अब मुझे लगता है देखो मिहिर गर्ल्स में हम खुद वही बंदे हैं जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं मारुति को, और हम खुद लेके आगे, मैं इसके ऊपर अपने चैनल पे प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो आऊंगा मिहिर गर्ल्स पे, कि मिडिल क्लास फैमिली को क्यों मारुति पे जाना पड़ता है, रीजन क्या है जाने का, और वो रीजन है, और सीएनजी वेरिएंट पे क्यों जाना पड़ता है, वो प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, सफर भाई बता देंगे मेन क्या है, अभी धीरे भाई दिखाएंगे सारा काम होते हुए, बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बार भाई इसका बैक साइड भी चेकआउट कर लो, ये इसकी टेल लाइट वगैरह उतार दिया, क्योंकि इस गाड़ी में मेरे को सबसे अच्छी चीज जो लगती है वो है भाई इस गाड़ी के अंदर बम्पर में रिफ्लेक्टर दिए हुए हैं यार, इतने प्यारे लगते हैं जब ये रिफ्लेक्टर लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं, अच्छा ये मैं अपनी गाड़ी के अंदर ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि लग पाए, क्योंकि हमारी गाड़ी के अंदर ये ऑप्शन ही नहीं दिया, अच्छा कुछ लोग होते हैं जैसे भाई इनके रिफ्लेक्टर नहीं है बम्पर में, बेचारा ये क्या करेगा, हाँ नहीं आता सब में ये चीज नहीं आती, ये लेकिन इसमें बहुत अच्छी बात, हाँ पुरानी वैगनआर में भी नहीं था, नहीं था आपकी जो पहले वाली वैगनआर थी उसके अंदर, याद है कि उसमें था, उसमें उसमें इसमें नहीं है, याद क्या है वो भी है, याद नहीं है अभी है, अभी भी है, सही बात है। तो भाई ये है, और यहाँ देखो बब्बर शेर बिठा रखा पहले से ही, उसे प्यार करते रहते हैं टाइम टू टाइम, ये मैं भाई यूं लेके आ गया था कुछ तोड़ आने के लिए, बोला कि मैं इसे प्रैंक करूंगा, काम नहीं आया कभी, पापा ने इस पे लगा दिया, अच्छा लग रहा है, हमारी बहुत प्यारा लग रहा है, मारुति 800 में भी ना एक बब्बर शेर पीछे बैठता था, अच्छा पता नहीं वो जल गई उसके बाद, अच्छा बब्बर शेर की क्या काम आते हैं, आई डोंट नो, ओके चलो भाई। तो मतलब ये है, बाकी आपको ना एसेसरीज दिखाता हूँ अभी इस गाड़ी में जो जो लगने वाली है ना, अभी इसका जो हुलिया है एक तो ये लग रहा है इसके अंदर, एंड्रॉइड देख लो पहले तो भाई, ये कुछ फ्रेम चेंज करेंगे इसका, पहले वाला फ्रेम ये रखा हुआ इसको करेंगे चेंज, यहाँ पे लगाएंगे पूरा 9 इंचेस का प्लेट लगाएंगे फुल टच वाला, और ये कपलर है पूरा एग्जैक्ट, देखो ये लगाया भाई ने कपलर, और कपलर के अंदर लगाते ही ये हो गया फिक्स इसके अंदर, मतलब कुछ भी चीज चेंजेस नहीं होता इसके अंदर, पूरा कपलर वाला सीन रहता, ये लग गया कपलर इसके अंदर, अब लगा देगा भाई इसके अंदर एंड्रॉइड। ये है इस गाड़ी का कुछ फ्रंट लुक, जो कि भाई एज इट इज वैसे ही आता है जैसा एलेक्साई में होता है, सारे इसके जो डोर है ना पैनल जितने भी होते हैं सारे निकाल दिए हैं, और यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था पाइनर वाला सीन, ये चार रिंग तो लगेगी लगेगी जो मैंने आपको फॉर्म फाड़ के दिखाया वो, साथ में ये देखो भाई पाइनर का, मैं कुछ लोकल वाली चीज़ नहीं, जो चीज़ आपको दिखाई जा रही है सेम चीज़ देख लो, और सेम चीज़ ही आपको लगाई देगी। ये है कोक्सल स्पीकर जो मैं आपको बता रहा था, स्पीकर के ऊपर ट्यूटर होता है, और ये है ट्यूटर अलग से होता है, ये अपना क्रॉसओवर अलग लगा हुआ, और अपना कंपोनेंट अलग है, तो ये चीज़ होती है, साथ में इसके जो रिफ्लेक्टर लग रहे हैं ना आपको रिफ्लेक्टर भी दिखाता हूँ भाई, और लास्ट में सुभाष भाई बताएंगे, तो ये रिफ्लेक्टर वाला जो मतलब है ना सीन में वो बहुत प्यारा लगता है, जो उस गाड़ी में लग जाएगा बहुत अच्छी लगेगी। ये लगेगा हेडलाइट पे DRL इसके, क्योंकि इस गाड़ी में DRL नहीं आते, और भाई ने मना भी करता, और ये ऐसी RD की जो बोलते हैं ना बटन दबाओ और गाड़ी खुल जाएगी सेंटर लॉकिंग, और ये देखो ये है इसके यूनो मिंडा के, मतलब मिंडा भी कंपनी जो बनाती है ना वो इसके जो फॉग लाइट लगती है वो मिंडा की ही लगी हुई मिलेगी आपको हर गाड़ी के अंदर, मारुति वाले भी यूज़ करते हैं वो मिंडा की ही यूज़ करते हैं, इवन बहुत सारी गाड़ियों के अंदर जितने भी ये साइज़ की आती है सब में मिंडा ही यूज़ होती है। तो ये कुछ सामान अभी फिलहाल के लिए लग रहा है, बाकी एक बार फिटिंग होने देते हैं, देखते हैं और क्या क्या चीज़ एक्स्ट्रा लगती है, फिलहाल के लिए अभी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो मैंडेटरी चीज़ें होती हैं ये वो वाली चीज़ें हैं भाई। फाइनली अभी इसके अंदर इसकी जो सेंटर लॉकिंग है वो तो लग चुकी है, इंडिकेटर चालू हो चुके हैं, जब सेंटर लॉकिंग लगती है ना तो आपके गेट खोलने पर ना
कुछ इस तरीके के इंडिकेटर चालू हो जाते हैं आपके, पहले नहीं चल रहे थे इंडिकेटर, आप गेट खुले हुए हैं तो कुछ टाइम तक चलते रहेंगे जब तक गेट खुले रहेंगे, उसके बाद ये लॉक अनलॉक हो जाएंगे। देखो भाई चेक कर रहे हैं फुल इसके अंदर कैसे हो रहा है, और इसका जो साउंड वाला सिस्टम लगा ना वो ये है, ये आर्टिका है पूरा ना, ये आर्टिका और कुछ ये नया इंजन है आर्टिका बिल्कुल। और देखो ईसीएम यहीं पे दे दिया इन लोगों ने, मतलब ये चोर ना बहुत ज्यादा चोरी कर लेते हैं, इनको कहीं छुपा के देना चाहिए, बट इन्होंने यहाँ पे दे दिया सिस्टम, ये दे दिया एक सीएनजी वाला है इनमें से कोई एक, शायद ये वाला सीएनजी वाला होगा और ये वाला इसका ईसीएम जो होता है ओरिजिनल गाड़ी का जो आता है पेट्रोल में ये वो वाला होगा, बाकी इसका सीएनजी वाला जो पूरा किटवेट लगा रखी है पूरी फिट, मतलब ये अच्छा सीन देते हैं अगर कंपनी से आप ले रहे हो सीएनजी वाली तो, मुझे ये बढ़िया चीज लगती है, प्रॉपर इन्होंने फिटिंग करके सब अपना सिस्टम सारा अलग अलग लगा रखा है, ये बढ़िया चीज है इस गाड़ी के अंदर। बाकी अभी DRL भी लगने हैं इसके अंदर, सेंटर लॉकिंग लग चुकी है, रिमोट इसके आ चुके हैं वो दिखाता हूँ आपको, डोर वाइजर भी आ गए हैं तो डोर वाइजर भी लगाएंगे इसके अंदर। इसके बाद इसके अंदर भाई और क्या क्या काम हो रहा है, सेंटर लॉकिंग काम तो भाई कर ही रहा है, यहाँ पे लगा दिया 9 इंची का एंड्रॉइड लगा दिया, देखो वीडियो अभी चल रही है लेकिन अभी स्टार्ट नहीं है, सिर्फ ऐसी रिफ्लेक्शन से हमारे मास्टर बटर भाई दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर। और ये देखो ये है इसका कुछ स्टेयरिंग जो कि बिल्कुल OEM टाइप, इसको सिल देंगे बढ़िया करके, अभी एक बार ना सेंटर लॉकिंग काम पूरा हो जाए वो दिखाऊंगा। यहाँ देखो ये लगाया हमने पाइनर वाला कॉम्पोनेंट, और इसके रखे ट्यूटर, ये है इसके ट्यूटर, तो गाड़ी की आवाज़ तो बढ़िया आएगी आएगी। एंड्रॉइड स्क्रीन तो भाई इसके अंदर लगी गई है, बट यहाँ पर देखो नीचे बम्पर में कैमरा भी आता है जो कि अभी लगाएंगे, अभी कैमरा बिल्कुल ओके है, मतलब है नहीं, एक सेंसर यहाँ दिया हुआ है, एक सेंसर आ दिया हुआ है, लो मॉडल है लेकिन दो ही सेंसर दिए हुए हैं, बीच में का कोई मतलब नहीं है, वैसे चार आते हैं तो इसमें दो ही दिए हुए, कैमरा लगा देंगे शायद यहाँ पे लगेगा कैमरा, अभी देखते हैं कौन सा वाला कैमरा इसके अंदर लगने वाला है, क्वालिटी क्या होगी भाई यहाँ पे आपको ना स्क्रीन में देखने को मिलेगी। यहाँ पे अभी कुछ सीन ऐसा है कि इसके जो फ्रंट वाले बम्पर होते हैं यहाँ पर इसके अंदर ना LED कुछ भी नहीं थी, ना इसके अंदर फॉग लाइट थी, तो भाई ने जो मैंने आपको मिंडा वाली फॉग लाइट दिखाई थी वो इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया, अभी इसके अंदर हेलोजन बल्ब है, इसके अंदर भी हेलोजन बल्ब भी है, तो दोनों में हेलोजन ही बल्ब रहेंगे, क्योंकि जो चलाने वाले बंदे हैं ना उनको पहले पता है कि मतलब हेलोजन चीज़ जो होती है वो ठंडे वाले बहुत बढ़िया चीज़ होती है, तो उन्होंने नहीं डलवाने और ना ही वो डलवाएंगे, तो हमारे जो भाई है ना वो मतलब सुधांशु भाई कह रहे हैं कि पापा पे छोड़ दिया, पापा ने जो बोला वो डलवा दिया, हमारा प्रेफरेंस था कि LED डाल देते हैं, एम्बिएंट लाइट लगाते हैं, लेकिन एम्बिएंट लाइट भी कैंसिल हो गई है इसके अंदर और ये भी कैंसिल हो गई, तो भाई ने कहा नहीं सिंपल सोवर गाड़ी रखनी है, पापा चलाएंगे सीधी, मतलब सीधी वाली बातचीत आनी चाहिए गाड़ी के अंदर सारी वो है, बाकी DRL तो हम लगा के छोड़ेंगे इसके अंदर, ये अगर आप लगवाते तो भाई इसकी ब्राइटनेस देखना कितनी ज़्यादा बढ़िया होगी, मतलब अच्छी रहेगी, इसे बोलते हैं ना लगाने के बाद हेडलाइट की लुक भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो जाती है। ये कुछ इसकी है साइड फिटिंग, तो कंपनी तो यहाँ पे कुछ भी नहीं देती है, खाली है, इससे कहीं ना कहीं गाड़ी जो है प्रोडक्ट होती है, तो ये कौन सी क्या चीज़ है, अच्छा साइड ग्लाइडिंग बोलते हैं उसको, साइड फिटिंग कौन सी होती है फिर, अच्छा पतली वाली होती है, ग्लाइडिंग होती है तो चौड़ी होती है, तो वैगनआर की प्रॉपर है, वैगनआर की ब्रांडिंग भी मिल जाएगी हमें, तो अच्छी भी लग रही है, काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है, एक बार क्या ये क्या हिसाब किताब रहता है इसके अंदर, कौन कौन सी क्वालिटी आती है, ये आपको 200 रुपए से स्टार्टिंग हो जाए, ये जो है 1350 रुपए, ये 1350 की 200 से स्टार्टिंग हो जाती है, मतलब ये क्वालिटी वाली चीज है, बढ़िया क्वालिटी वाली चीज है, ये आगे वाला पार्ट है उसका। चलो भाई तो एक बार इसको भी लगने देते हैं, फिर आपको साइड प्रोफाइल दिखाता हूँ, बाकी इसके अंदर अभी व्हील कवर लगेंगे तो गाड़ी ना इधर से कुछ ज्यादा ही बढ़िया लगेगी, मतलब मजा आ जाएगा, कहने वाली बात यह है कि वैगनआर जैसी गाड़ी और इस तरह काम आर पार। गाइस फाइनली रेडी हो चुकी है भाई अपनी गाड़ी, आप लोग देख सकते हो भाई कितनी ज्यादा बढ़िया लग रही है, जब ये आई थी उस टाइम में बिल्कुल खाली वाला सीन था, लेकिन अब देखो भाई कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है, और इसका जो प्राइसिंग की बात करें ना बहुत ही मिनिमम प्राइस में गाड़ी तैयार हो चुकी है, मतलब वैगनआर जैसी गाड़ी कोई ज्यादा पैसे लेके नहीं जाती, आप 20-25-30-35-40 हज़ार में इस गाड़ी को अपने हिसाब से टेस्ट लुक मॉडिफाई करवा सकते हो, तो गाड़ी का लुक देखो भाई कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है। बाकी इसकी और भी चीजें आती हैं, अलग अलग चीजें आती हैं, सारी चीजें मैं आपको दिखा दूंगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना या फिर आ सकते हो आप सुभाष भाई के पास, तो ये सारी चीज आपको देखने के लिए मिल जाएगी। फ्रंट साइड बताता हूँ आपको भाई, सबसे पहले हेडलाइट के ऊपर एक तो DRL ने यूज किया, ठीक है, DRL जो कि आपका इंडिकेटर पे भी काम करेगा, बल्ब जो है उसके हेलोजन बल्ब है, और नीचे अपनी फॉग लाइट जो है वो भी येलो रखी है, क्योंकि जो भाई है उनके पापा ने बोला था कि भाई मेरे को व्हाइट लाइट नहीं चाहिए, तो येलो वाला सीन था, येलो वाला सीन इसका हो चुका था। वो गेट खोलने पे अपने सेंटर लॉकिंग की जो सिस्टम है वही पूरा काम कर रहा है, अपने इंडिकेटर गेट खोलते ही चालू हो जाते हैं। एक बार आपको ना मैं इसकी चाबी भी दिखाता हूँ, इसकी चाबी कैसी थी और उसमें हमने सेंटर लॉकिंग कौन सी लगाई और क्यों लगाई है, तो भाई ये कुछ इसकी चाबी है, ये जो कंपनी हमें चाबी देती है ना भाई वो की है, और इसके अंदर कोई बटन नहीं आता, कोई सेंटर लॉकिंग नहीं आती, बट यहाँ पर वहाँ पर भाई इसके हाथ में रिमोट है, भाई उस रिमोट से इसको अभी लॉक अनलॉक कर, बाद में जिसका रिमोट है हम इसी के अंदर लगा देंगे, जिससे इसके साथ में ही रहेगा हमेशा रिमोट, तो हमें फ्लिप की क्यों नहीं लगाई उसका भी एक रीज़न है, कमेंट कर देना बता दूंगा, या फिर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना मैं वहाँ बता दूंगा। साइड में देखो भाई ये देखो ये वाली जो वैगनआर वाली साइड ग्लाइडिंग है ना कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है, एक होती है साइड बिटिंग होती है साइड ग्लाइडिंग, अब देखो भाई लग रही है बातचीत, और आप अगर दूर से देख रहे हो तो गाड़ी को आप पहचान ही नहीं सकते कि इसमें अलॉय व्हील नहीं डले हुए, इसके अंदर डले हैं, ये देखो भाई व्हील कवर है, ये देखो सायरन भी बजेगा, अगर गेट खुला होगा गाड़ी लॉक कर देंगे तो इस तरीके से सायरन भी बजेगा इसका, ये देखो लॉक हो गई वहाँ से, अब अनलॉक हो गई, और उसके बाद आपका मतलब सही है सारा सीन, इसके अंदर जितना भी हो ना सब बढ़िया है, सीट कवर भी देख लो क्वालिटी कैसी है,
स्विफ्ट की क्वालिटी भी बढ़िया लग रही है भाई। अभी क्या काम कर रहे हो तुम, मूर्ति लगा रहे हो भाई? लगा रहे हो अभी इसके अंदर मूर्ति, और साथ में लगा इसके अंदर जो इसका स्टेयरिंग कवर है भाई, वो भी दिखाता हूँ आपको। अब देखो भाई इसका स्टेयरिंग कवर देखो आप, बिल्कुल OEM टाइप स्टेयरिंग कवर सिल दिया। इसमें बटन भी लगवा सकते हो, अगर आपने बटन लगवाने तो बटन भी लगवा सकते हो। ये इसका 9 इंचेस का प्लेयर जिसको मैं ऑन करके भी दिखाता हूँ। इसकी साउंड जो आ रही है ना वो भी बहुत प्यारी आ रही है। इसके अंदर हमने पाइनर का बताया था ना पूरा सिस्टम यूज किया है, यहाँ पे लिखा भी है पाइनर। तो आगे कॉम्पोनेंट लगे इसके अंदर पाइनर के, पीछे लगे हैं कोएक्सियल स्पीकर, नीचे डाले हैं 5D वाले मैट विद इसकी अंदर वाली एटमोसफेयर लाइट। देखो भाई कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है। आप लोग बोलोगे कि भाई इस गाड़ी में जितना भी काम हुआ है ना वो एकदम जेनुअन, जिसे बोलते हैं पूरा जेनुअन काम है, कोई भी चेंजेस नहीं है। और सीट कवर भी इतने ज्यादा प्यारे हैं। बाकी भाई रिव्यू ले लेंगे एक बार मास्टर बटर भाई का, तो वो बता देंगे इसके अंदर क्या सीन है, कितना सीन है और कहाँ तक ये मतलब इसको कितना रिव्यू देंगे इसको गाड़ी को। तो भाई ये है गाड़ी का कुछ बैक लुक जो कि पहले भरा हुआ नहीं लगता था, बट अब ऐसा लग रहा है कि जैसे भरा भरा सा है। तो उसके अंदर क्या भरा हुआ वो बता देता हूँ। नीचे तक तो हमने रिफ्लेक्टर लगा दिए जो कि आपके पार्किंग पे, इंडिकेटर पे और ब्रेक पे काम करते हैं। तो 3 फंक्शन आपको इस रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं, बाकी अलग अलग डिजाइन भी मिल जाते हैं। साथ में यहाँ पे कैमरा लगा है जो कि नाइट विजन है बट लाइट नहीं है, जो कि चीपेस्ट लाइट लगती है, बट यहाँ पे देखो कैमरा लगा है जो कि काफ़ी ज़्यादा क्लियर भी है। अब आपको सुनाता हूँ मैं इस सिस्टम की, मतलब इस गाड़ी में जो सिस्टम लगा है ना उसकी साउंड सुनाता हूँ, फिर एक बार सुभाष भाई से बात करेंगे, एक बार बात करेंगे मास्टर बटर भाई से। भाई ये है कुछ प्लेट जो कि भैया ने डाला, जीवा कंपनी का, देखो बढ़िया। उसके बाद देखो कैमरा देखना उसका, ये है इसका क्लियर कैमरा एकदम। कुछ भी चीज़ देखो गाड़ी गई, आपने जो देखना है पूरा ऑब्जेक्ट आपको क्लियर नजर आएगा, बढ़िया जिसे बोलते हैं वो लगाया, जीवा कंपनी का है, काफ़ी अच्छा प्लेयर है और काफ़ी मतलब टच वच का रिस्पॉन्स है वो भी बढ़िया। एक बार इसके ना आपको गाना भी सुनाता हूँ, उसके अंदर आपको गाना कितना ज़्यादा प्यार चलेगा ये देखो भाई। फुल बेस आ रही है भाई, बढ़िया। तो भाई सारी आपने आवाज तो सुन लिया, कितनी ज्यादा बढ़िया आवाज आ रही है, बेसी नॉइज आ रही है। और इनके फादर के लिए जो मतलब ये सारा सिस्टम लगाया ना वो ओके है, मतलब इसे बोलते हैं ना बढ़िया, मतलब LXI टू ZXI तक गाड़ी को पहुंचा देना वो सारा सीन है इसके अंदर। मतलब ये गाड़ी वैसे VXI तक गई है, इसके अंदर एक दो मोड और होते लाइक ये आपका चेंज होता, ये चेंज होता, देन गाड़ी ZXI थी, अदरवाइज सारा काम इसके अंदर टोटली कंप्लीट हो चुका है। तो भाई साथ में आ चुका है हमारे पास बटर भाई, कैसे हो भाई? फुल गलत। और सफर भाई बहुत बेहतरीन काम हुआ यार आपने, क्या सही कार मुझे सही शॉप सजेस्ट करी बेसिकली, सुभाष कार स्टूडियो, ठीक है। यहाँ पे आके मैं ना ऐसा लग रहा है मैं धन्य हो गया, मैं दोबारा से शॉप पे ले आया आपको। हाँ मतलब मैंने अपनी पुरानी पुराना काम इधर से करवाया, इधर से मतलब ये कि जिस रेट में भाई काम करते हैं ना भाई का, ऐसा नहीं कि 400 का सामान 600 बोलूंगा जैसे मार्केट में चल रहा है ना कि 600 का मैंने 1000 बोल दिया, भाई का ऐसा 400 है तो मैं ज्यादा से 450 कर दूंगा, ठीक है, कि 50 रुपए की रोटी चावल खा लू मैं ज्यादा से ज्यादा। और इतना तो यार करना चाहिए, बंदे को बिजनेस है, ठीक है, लेकिन ज्यादा नहीं करते। मैं तुम लोगों को सजेस्ट करूंगा, तुम्हें आना है तो सुभाष कार स्टूडियो, बार बोल रहा हूँ रट लो एकदम, ठीक है, काम करवाना है सुभाष कार स्टूडियो, मैं सेटिस्फाइड हूँ भाई। दिखाने भाई आपने दिखा दिया होगा क्या सब क्या कुछ दिखा दिया मैंने, आवाज कैसी लगी है भाई? बहुत बेहतरीन था, इसमें खोखला आ रहा था यार, ये सब कुछ खाली था। हाँ और आपको मिल गया अभी इसका, हाँ अब ये दूर से अनलॉक हो जाएगी और दूर से लॉक हो जाएगी, फुल पूरा फीचर आ चुका है ZXI वाला। हाँ यार ये चलो भाई, जैसे कि गाड़ी के अंदर सारा काम हो चुका था, तो बटर भाई भी यहाँ पे हैं और साथ में कार स्टूडियो के ओनर सुभाष भाई, कैसे भाई? बढ़िया सर, काम वाम हमने बढ़िया तरीके से कर दिया। क्या स्टार्टिंग रहता है पहले आप बताओ कुछ, कैसा रहा भैया का बिहेवियर वगैरह? मैं तो देखो सुभाष भाई का फैन, ठीक है ठीक है, मैं तो बोलता हूँ भाई मार्केट में बंदे को काम करना है तो इस जैसी पर्सनैलिटी होनी चाहिए। पर्सनैलिटी मतलब ये नहीं कि भाई खूंखार, मतलब भाई काम लायक बात करते हैं, अच्छे रेट पर काम भी कर देंगे, कोई बहसबाजी मैंने आज तक किसी कस्टमर की ना बहसबाजी भाई साहब देखी नहीं है, ठीक है, मतलब इतने साफ सुथरे बंदे हैं, इतना साफ सुथरा काम करते हैं भाई। आप बताएं आप कितने से चालू होता है भैया? 25,000 रुपए लेगा आपका 40,000 तक पूरी बैगनर होता है, बैगनर ऑटोमेटिक पूरी मतलब बढ़िया हो जाती है। तो मतलब भैया की गाड़ी के अंदर ऐसा कुछ लग नहीं रहा मुझे कि इसमें और कुछ डालने की जरूरत है ना, जो स्पॉइलर वगैरह थे वो तो मना ही कर दिया, मना कर दिया, मैंने मना कर दिया।
इन्होंने एक तो एलईडी बल्ब मना कर दिया, मतलब कई चीजों ने भाई ने खुद मना कर दिया। एक बंदा होता कि भाई साहब ये भी डाल दो वो भी डाल दो, लेकिन भाई ने एक पापा के लिए जो टेस्टफुली गाड़ी होती है ना वो उनको ज्यादा चमक धमक ये वो नहीं लगती, लेकिन ये चीज जो लगी है वो एकदम परफेक्ट। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं सोच के आया था ना उससे मुझे एक लेवल ऊपर ही मिला है काम। ठीक है, और ये जो प्रोडक्ट लगे हैं सारे जेन्युइन लगे हैं, कैसे लगे आपकी गाड़ी? इसमें से आधे सर बुट तो जेन्युइन ही है, ठीक है, जो इनका अवेलेबल था जेन्युइन उन्होंने वो जेन्युइन काम किया है। बाकी यार मुझे लगता है नहीं कि सुभाष भाई के लिए हम इतना ज्यादा क्वेश्चन आंसर करें, भाई एक नंबर बंदे है, काम करना है तो इधर से ही करवाओ, ठीक है। और सिर्फ वैगनर नहीं जाता तो कौन कौन सी गाड़ियों काम होता है? वैगनर है, किया सोनेट है, सेल्टोस है, ऑलमोस्ट सारी गाड़ी होता है, ऑलमोस्ट सारी, ये मेन गाड़ियां हैं, ये मेन गाड़ी सोनेट पे बढ़िया काम हो जाएगा बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज था, और बाकी आप आ सकते हो कार स्टूडियो पे, बाकी साइड में यहाँ पे आ भी रहोगा नंबर वगैरह, आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल के लिए करते हैं इस वीडियो के यहाँ पे एंड, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भूलना, और चैनल को लेना सब्सक्राइब क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है ना। खत्म करते हैं वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन पीस आउट।